राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है। संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सरकार की वादा खिलाफी से नाराज होकर राजधानी के नीलम पार्क में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की सरकार से एक सूत्रीय मांग है कि दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाए, इसके आदेश कोर्ट द्वारा भी जारी कर दिए गए हैं। बावजूद इसके सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। प्रदर्शनकारी कर्मचारी संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी एक सूत्रीय मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारी मांग यह है कि जो दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी है, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, एरिगेशन, उन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया दिया जाए और उनको समानता का अधिकार दिया जाए कि जो न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन माना जाए, लेकिन क्या है, कुछ कर्मचारियों पर लागू कर दिया, कुछ को छोड़ दिया। दोबारा फिर हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने फिर निर्णय दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने ना ग्वालियर से एक न्याय यात्रा निकाली है। हम लोगों ने न्याय मांगा है शासन से कि हमको न्याय मिले, जो न्यायालय निर्णय हुए उनका पालन किया जाए। भोपाल से EMS TV के लिए देवेंद्र माली की रिपोर्ट।